आप सब लोग मेरे बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित आपका बिजनेस कोच आपका स्वागत करता हूं अपने डेली बिजनेस वीडियो व्लॉग्स में। आज मैं आपसे एक बहुत ही फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस की बात करने वाला हूं। मैं आपको एक फाइनेंशियल टिप देने वाला हूं जो कि आपके बहुत काम में आएगी। इससे पहले मैं आपको वो टिप दूं, आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। हमारे कस्टमर से जिनसे मैं बात कर रहा था, जब मैं उनके साथ काम कर रहा था, तो मैंने देखा कि जब मैंने उनसे पूछा कि और बताइए सर कैसा चल रहा है, आपके क्या कर रहे हैं, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, वो मुझसे बोले कि सर पैसा मुझे दिखता है आ रहा है, मुझे पैसा दिखता है जा रहा है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ इसमें क्या हो रहा है। दूसरी बात, मेरे पास पैसे हैं भी नहीं अकाउंट में, मैं इतना सारा बिजनेस करता हूं लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं होते, मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आती। तो मैंने उनसे और पूछा इस बार इस चीज को बताने में कि क्यों मुझसे वो ये वाली बात कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे अपना एक दर्द बताया। बोले सर मेरी वाइफ जो है वो स्कूल में टीचर है, मुझसे आई एम श्योर कम पैसे कमाती होंगी, लेकिन क्या होता है कि अगर आप पिछले 5 साल की अर्निंग देखें, मेरी वाइफ के अकाउंट में कुछ 12-14 लाख रुपए हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं। सो जब मेरी वाइफ से बातचीत होती है, मुझसे ये कहती है कि यार तुम्हारा पैसा तो हमें दिखता करोड़ों में, लेकिन जेब में कितना जा रहा है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वो आंसर नहीं कर पाते। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए भी, आप अपनी जेब में कितने पैसे डाल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए बिजनेस जो किया है उसका एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई आप पैसे कमाएं, आपके अकाउंट में पैसे जाएं। लेकिन क्या होता है बिजनेस ओनर्स के साथ, वो क्या करते हैं, पैसा आता है उसे उठा के फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो कभी पैसा ही नहीं रहता। इस वाली चीज के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं, और वो टिप ये है कि अपने आप को महीने में सैलरी दीजिए। सो आपकी जो कैश फ्लो का स्टेटमेंट है, उस कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपके स्टाफ की सैलरी के साथ आपकी सैलरी भी होनी चाहिए। अपनी सहूलियत के हिसाब से सैलरी फिक्स करिए, राइट? जैसे आपको लगता है कि भाई मेरी सैलरी जो है 60,000 लूंगा, 1,20,000 लूंगा, 1.5 लाख लूंगा, 2 लाख, कुछ भी हो, अपने आप को सैलरी दीजिए। उस सैलरी के 2 कंपोनेंट बनाइए। एक कंपोनेंट है फिक्स कंपोनेंट, यार मैं अपने आप को ये पैसे तो दूंगा ही दूंगा और बिजनेस से बाहर निकालूंगा ये पैसा मैं अपने लिए। दूसरी चीज वेरिएबल कंपोनेंट। वेरिएबल कंपोनेंट आपकी परफॉर्मेंस से जुड़ा होगा, क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करें। तो अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ आ रही है और आपके एफर्ट से बिजनेस में आप ग्रोथ लेके आ पा रहे हैं, तो अपने आप को इंसेंटिवाइज करिए और इस वाली चीज पे काम करिए और अपने आप को इंसेंटिव दीजिए ताकि आपको भी एनकरेजमेंट मिले। कई बिजनेस ओनर ये सेपरेशन क्रिएट नहीं कर पाते हैं कि बिजनेस का पैसा ये मेरा पैसा है। आपको ये वाला सेपरेशन क्रिएट करना है, ये बिजनेस का पैसा है, ये मेरा पैसा है, और आपका पैसा वो पैसा है जो आप अपने बिजनेस से सैलरी के रूप में लेते हैं। नहीं तो क्या होता है, जब जरूरत पड़ी बच्चे की फीस देनी हुई, गले में हाथ डाला, पैसे निकाल के दे दिए, जब किसी चीज की जरूरत आई फिर हाथ डाले निकाल के दे दिए। इससे आप फाइनेंशियली मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस वाली बात को समझिए, आपके पास पैसा आने का एक तरीका, निकलने का 25 तरीके, कैश से निकाल दिया, किसी को दे दिया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है कि आप अपनी सैलरी बांधिए महीने की, और जैसे स्टाफ को सैलरी देते हैं उसी डिसिप्लिन के हिसाब से अपने आप को सैलरी दीजिए। अपने घर के खर्चे, बाकी के खर्चे उस सैलरी से चलाइए, तो आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंटैक्ट रहेगा। आपको पता होगा आपके बिजनेस में कितने पैसे, आपके पास कितने पैसे। एज अ बिजनेस ओनर ये आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको पैसा देखना चाहिए कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है और क्या क्या हो रहा है पैसे के साथ। यहाँ पे कोई भी धुंध नहीं हो सकता, क्लाउड नहीं हो सकता। सो फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, अपने आप को महीने में सैलरी दीजिए, अपनी सैलरी फिक्स करिए, उसके 2 कंपोनेंट बनाइए, फिक्स कंपोनेंट और वेरिएबल कंपोनेंट। वेरिएबल कंपोनेंट आपकी परफॉर्मेंस से जुड़ा होगा, आपका रोल आपकी कंपनी में बिजनेस को ग्रो करना है। अगर आपकी मेहनत की वजह से बिजनेस ग्रो करता है तो अपने आप को वेरिएबल सैलरी दीजिए। ये वाला डिसिप्लिन को मत तोड़िए, ये मेरी आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। आशा करता हूं आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। प्लीज देखिए छोटे वीडियो हैं, इन्हें शेयर जरूर करिए दूसरे लोगों से ताकि ज्यादा लोगों का फायदा हो। दूसरी चीज, प्लीज कमेंट जरूर करिए। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पर जाकर माय डेली बिजनेस व्लॉग्स की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उसमें आपको ये इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप डोमेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो डोमेन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, सर्विस ओनर रिलेटेड,
तो आपको डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिलेंगी हमारे चैनल पे। और अगर आप फंक्शन रिलेटेड नॉलेज चाहते हैं, फंक्शन रिलेटेड मतलब भाई मार्केटिंग की, सेल्स की, ऑटो पायलट की, तो आपको इसके लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिलेंगी हमारे चैनल पे। आप लोग वहां पे जाके ये वाली चीज देख सकते हैं। अगली बार तक के लिए मेरा आपको बहुत बहुत नमस्कार, मेरी आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।